बदायूं की सिविल लाइंस पुलिस ने देर रात मुखबिर की सूचना पर माझिया गांव के पास दबिश दी। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। हालांकि इस दौरान एक बदमाश पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक राइफल और चार तमंचे भी बरामद किए हैं। कल रात्रि में एक बदमाश से थाना सिविल लाइंस मुठभेड़ हुई है पुलिस की, उसमें बदमाश को गोली लगी है और उसका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। इस बदमाश से पुलिस को चार तमंचे और एक राइफल बरामद हुई है। इसके एक साथी भी था, इसके साथ में जो ईटा का रहने वाला है, शातिर बदमाश है, वो मौके से फरार हो गया था। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। इस पर कोई इनाम भी हो सकता है? इस पर इसका पता कराया जा रहा है कि लोगों को इनाम भी कैसे था, ये इनका पता कराया जा रहा है। सर, ये लोग किस तरीके को कुछ फसलें बनाते थे? ये इनके इनके हर चीज़ के इनके क्या क्या अपराध हैं, क्या क्या करते थे, इस हॉट चीज़ में कल हुई है। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं पुलिस की माने तो बदमाश बरामद हथियारों को बेचने की फिराक में थे। बदायूं से राहुल सक्सेना, पंजाब केसरी टीवी।